डियर स्टूडेंट टू डेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन एज द नेम सुजेस्ट द प्रोनाउन विच इज़ नोट डेफिनेट यानी जैसा नाम बताता है प्रोनाउन जो डेफिनेट की ओर संकेत नहीं करते द इनडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर बात ये इशारा नहीं करते दे द आइडेंटिटी इज नोट डिफाइंड जो आइडेंटिटी पहचान है वो वर्णित नहीं की जाती है दे पॉइंट इन जर्नरल साधारण रूप से वो संकेत करते हैं एग्जाम्पल्स हैं यहाँ हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं सम वन सम बडी नन समथिंग एनी वन एनी थिंग ईच एवरी वन एवरी नो बडी नथिंग एवरी आर फ्यू सैवरल इट्स ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं फॉर एग्जाम्पल आल वी वर प्रजेंट थे सभी वहाँ उपस्थित थे यानी यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष को इंडिकेट नहीं किया गया है जनरली सभी का जिक्र है सम ऑफ डैम डोंट लाइक टी उन में से कुछ चाय पसंद नहीं करते सम ऑफ़ डैम उन में से कुछ यानी यहाँ आइडेंटिफाई नहीं करते कि कौन से कुछ सिर्फ कुछ का जिक्र किया कि वो कौन कौन से यहाँ कोई वर्णन नहीं होता है सम वन ब्रोक द विंडो पेन किसी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया यानी सम वन यहाँ आइडेंटिफिकेशन नहीं है इनडेफिनेट है आई कैन इट कैन हैपन टू एनी बडी ये किसी के साथ भी हो सकता है यानी कोई भी हो सकता है इसका विक्टिम्स नन नोटिस्ड हिज मिस्टेक किसी ने उसकी गलती को नोटिस नहीं किया नन मीन्स कोई जनरल नहीं है सभी का जिक्र है ओनली फ्यू कैंडिडेट्स वर देयर केवल वहाँ कुछ कैंडिडेट ही थे समथिंग इज़ बैटर देन नथिंग कुछ भी ना होने से कुछ होना अच्छा है समथिंग कुछ यानी कोई विशेष चीज़ का यहाँ डिस्कशन नहीं है नथिंग कुछ भी ना होना यानी हमने एग्जाम्पल से भी देखा कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो किसी भी चीज़ की तरफ निश्चित इशारा नहीं करते या निश्चित किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन नहीं करते दे डू नॉट रेफर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स नेक्स्ट इज है रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम जिसको हम बोलते हैं इट इज यूज टू ज्वाइन वन फ्रेज और क्लाज टू अनादर फ्रेज और कलाज इन द सेंटेंस कहते हैं इस सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज वाक्यांश या कलाज है उसको दूसरे वाक्यांश या कलाज से जोड़ने का काम करता है रिलेटिव सम्बंधवाचक यानी संबंध बता बनाता उनमें द वर्ड्स वहन दैट दीज वर्ड्स आर रिलेटिव प्रोनाउंस सबसे पहले हु और हुम आर यूज फॉर पर्सनस हु और हुम जो है पर्सनस के लिए प्रयोग किए जाते हैं एनिमल्स के लिए भी पेट जो एनिमल्स होते हैं हमारे उनके लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है हु रेफर्स टू द सब्जेक्ट हु का जो प्रयोग है हमेशा सब्जेक्ट का वर्णन करने के लिए होता है हुम इज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और होम जो है एक वर्ब के या एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं द मैन हु इज वियरिंग ए ग्रीन शर्ट इज माई ब्रदर आदमी जो ग्रीन शर्ट पहने है, हुए हैं हु इज वियरिंग ए ग्रीन शर्ट इज माई ही यू क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके रूप ये? का वर्णन कराइए द मैन का यानी वर्ब से पूरा होगा उूज इज यूज फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड पैट एनिमल्स हुज का जो प्रयोग है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए या पैट एनिमल्स के लिए किया जाता है The boy होम यू मैट इज माई ब्रदर द बॉय होम यू मैट लड़का जिसे तुम मिले वो मेरा भाई है <coughs> च इज यूज फॉर थिंग्स एंड पैट एनिमल्स विच जो है थिंग्स और एनिमल्स दोनों के लिए प्रयोग किया जाते हैं दैट इज यूज बोथ फॉर पर्सन एंड थिंग्स और जो डैट होता है वो सभी के लिए थिंग्स के लिए भी पर्सन के लिए भी एनिमल्स के लिए भी द बुक द बुक विच और दैट आई बोट लास्ट वीक है जैसे हाँ जो बुक है उसके लिए दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं विच और दैट का प्रयोग किया जा सकता है एवरी वन दैट हैज़ विजिटेड द ताज लाइक्स प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी ताज को विजिट किया है उसने इसे पसंद किया यानी एवरी वन किस लिए है पर्सनस के लिए है लिविंग्स के लिए तो यहाँ पे दैट का प्रयोग किया जाएगा यहाँ हु भी हम प्रयोग कर सकते हैं द बुक विच और दैट यानी यहाँ निर्जीव थिंग्स थी उसके लिए हम विच और दैट तो दैट का प्रयोग दोनों लिविंग्स के लिए एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जा सकता है उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउ रेसिप्रोकल पारस्परिक सर्वनाम जिसको हम बोलते हैं ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसिज म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप यानी एक ऐसा प्रोनाउन है जो पारस्परिक प्रक्रिया को या संबंध को प्रस्तुत करता है जो पारस्परिक आपसी जो कार्य है म्यूचुअल जो एक्शन है उसको या रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है द वर्ड्स इच अदर एंड वन अनादर इसमें सिर्फ दो ही प्रोनाउन होते हैं रेसी प्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर एंड वन अनादर ईच अदर इज यूज फॉर टू पीपल्स और थिंग्स ईच अदर सिर्फ दो चीजों या दो वस्तुओं के लिए ही प्रयोग होता है वन अनेदर इज यूज फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स और वन अनेदर जो है वो दो या दो से ज्यादा के सॉरी दो से ज्यादा के लिए ही सिर्फ प्रयोग होता है दो के लिए नहीं होगा सच एज राज एंड करण केयर इच अदर राज और करण एक दूसरे की देखभाल करते हैं केयर करते हैं यानी दो थे इच अदर मुकेश एंड मोहन आलवेज हेल्प ईच अदर मुकेश एंड मोहन आर ओनली टू पर्सन वी यूज ईच अदर आल द स्टूडेंट्स हेल्प वन एन अदर आल द स्टूडेंट्स इट मीन्स स्टूडेंट्स मोर देन टू सो वी यूज वन एन अदर आल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्राम वन एन अदर ह्यूमन बींग्स असंख्य हैं ह्यूमन बींग्स इंसान मानव देन वी यूज वन एन एदर